अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध जनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर। ये जॉब्स नहीं बल्कि जॉब्स की लाइनें हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा हंड्रेड डिपार्टमेंट्स के अंदर हंड्रेड टाइप्स की जॉब्स हैं और एक एक डिपार्टमेंट के अंदर एक से ज़्यादा जॉब्स हैं। चार्ज नर्स है, ये इसका मतलब नहीं है कि एक ही चार्ज नर्स चाहिए, बहुत सारी चाहिए। हॉस्पिटल और ये है फिजिस्ट है और ऑपरेशन थेरापिस्ट है। देखें ये बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर मैं तमाम आप लोगों को ये पढ़ पढ़ के बताने लग गया तो इसमें जो है वो वीडियो मिनिमम एक घंटे की बन जाएगी। मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये आप लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाएगी और मैं इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये वाली एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिलेगी आप लोगों को। वहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और पहुँच जाना है उस साइट पे जहाँ पे ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। बल्कि आप लोगों की ज़्यादा आसानी के लिए मैं ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है अपनी जो मेरी साइट है ये gngroup.blogspot.com यहाँ पे मैं रख दूंगा। यहाँ पे आप लोगों ने आना है, ये जॉब न्यूज़ का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने ही एडवर्टाइजमेंट पड़ी होगी। यहाँ से आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेनी है और इसको अच्छे से देखना है। जिस जिस जॉब पे आप लोग फिट बैठते हैं, क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगी हुई है और हर तरह की जॉब्स हैं। ये वाला जो फॉर्म है ये फॉर्म है, इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है और पहुंच जाना है इस साइट पे जहाँ पे ये जो है वो फॉर्म पड़ा हुआ है। फॉर्म को डाउनलोड करना है और आप लोगों ने ये देखें, ये इसी जो ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है इसी की साइट पे ही पड़ा हुआ है। यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली फिल करना है, फोटोग्राफ लगाना है, पोजीशन बतानी है किस पे अप्लाई किया है और एडवर्टाइजमेंट कौन सी एडवर्टाइजमेंट डेट वगैरह बता देनी है, एप्लीकेंट का नाम बताना है, छोटी मोटी और इन्फॉर्मेशन हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो इसी वीडियो में आप कमेंट करें, मैं आप लोगों को इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा ताकि आप लोग विद इन ड्यू डेट अप्लाई कर सकें। ये देखें जॉब बहुत ज़्यादा है, आप लोग इस पर टाइमली अप्लाई करें ताकि ये मिस ना हो। और क्वालिफिकेशन बहुत कम मांगी हुई है, ये देखें मैट्रिक है, ये आठ जो पढ़े हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी जॉब्स हैं, अप्लाई करें। दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए दुआएं करनी है और तमाम लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं ख़ास तौर पे उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और रिज़्क़ हलाल के जायज़ ज़राए अता फरमाए। ऑल द बेस्ट।